खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां पर श्रवण व्यापारी के साथ लूट व हत्या करने का प्रयास करने वाले गिरोह का कुशीनगर पुलिस ने खुलासा किया। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने नकली नोट छापने की मशीन, 3 पल्सर मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल सिम और 67,000 रुपये की नकदी बरामद की है। क्या मामला है? ये थाना फटेहरवा क्षेत्र में बड़ारा तिराहे के पास शराब की दुकान करने वाले कुरपट्टी थाना क्षेत्र निवासी कृष्णा वर्मा जब शाम को 6 बजे अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तो दुकान से निकलने के बाद अशोकवा गांव के पास 3 लोग मोटरसाइकिल से उनको मिले थे, जिन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। न रुकने पर उन्हें ओवरटेक करके उनके ऊपर फायरिंग की गई और फायरिंग में एक फायर उनको जांग में लगा था, उसके बाद मैगजीन पिस्टल की गिर गई थी, दूसरा फायर नहीं हो पाया था। चाकू से फिर उनके ऊपर वार किया गया था, उनके चेहरे पर और सिर में चोटें थी। तुरंत उनको मेडिकल एड दी गई और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर पाई गई थी। अब वो काफ़ी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन घटना की सूचना मिलने के पश्चात तत्काल 3 टीमों का गठन किया गया था। एक टीम थाना बिशनपुरा क्षेत्र की, दूसरी टीम थाना पटेरवा की और तीसरी टीम स्वाट टीम। तीनों टीमों के कोऑर्डिनेशन से अभियुक्तों की सघन तलाश और चारों तरफ चेकिंग शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त गिरफ्तार हुए। घटना में तीनों शामिल अभियुक्त गिरफ्तार हुए और उनके साथ जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी काली पल्सर, उसके बारे में पता करने पर चौथा अभियुक्त मिला, जिसने इनको हथियार भी दिया था और उसे घर की तलाशी ली गई, तो वहाँ नकली नोट 67,700 बरामद किए गए। और वो नकली नोट बनाने के लिए प्रिंटर मशीन और कार्टिज और पेपर जैसा